हेलो माय डियर सीएम एंडर के प्यारे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल डूइंग। एंड द साइड प्रोफेसर निकिता ओसवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस, मैं आप लोगों के लिए आई हूँ आपका टेंशन दूर करने के लिए। दैट इज यस, आई नो कि आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं एंड उसी के लिए मैम थ्योरी पेपर टेंशन आ रहा है, थ्योरी पेपर टेंशन आ रहा है। अब तक कुछ पढ़ा नहीं है, कैसे करने का, क्या करने का, उसके लिए ही मैं लेके आई हूँ पेपर नंबर 9। That is strategic management के important questions के साथ। और ध्यान दीजिएगा, ये है old syllabus वाले बच्चों के लिए, मेरे प्यारे प्यारे old syllabus वाले बच्चों के लिए ये रहने वाला है। And as in always we promise each other कि ये बार भी हम लोग exemption लाएंगे ही लाएंगे, और ये subject में तुम आराम से exemption ला सकते हो, ये मेरा वादा है आपको, ये AC का वादा है आपको, है कि नहीं। चलो लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा 3 चैप्टर्स है तुम लोगों को, कितने चैप्टर्स है तुम लोगों को, 3 चैप्टर्स है तुम लोगों को, राइट। एंड योर आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एबीसी एनालिसिस वगैरह भी आएगा, पेपर कैसे लिखना है, क्या करना है मैम, क्या चीज़ें करनी चाहिए, हर एक चीज़ तुम लोगों को बताई जाएगी, तो तुमको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो योर इट इज आइडेंटिफाई बेसिक एलिमेंट। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन लोग देख रहे हैं। Identify basic elements of strategic vision, mission and vision का रहता है ना अपना, बहुत important है वो। Strategic vision and discuss about the important purpose served by the strategic vision. Next question है, what is company mission and list the guidelines for formulation of mission statement. Third question है, distinguish between objectives and goals of the business. Important question रहने वाला है, और पता नहीं एक gut feeling है कि ये question शायद आ सकता है तुम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड हाँ, मैंने बच्चों को बोला हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये नहीं है कि यही करके जाना है, नो डाउट ये तुमको डेफिनेटली हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ये प्रायोरिटी पे तुम लोग क्वेश्चंस रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज मेरे रिक्वेस्ट रहेंगी हर एक चीज करके जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेट दिस बी ऑन द प्रायोरिटी वाला लिस्ट, ठीक है, परफेक्ट, राइट। लेट्स गो आगे। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इट्स फ्रेमवर्क। उसके फ्रेमवर्क अपने को लिखने हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है और उसके फ्रेमवर्क लिखने हैं, 5 फ्रेमवर्क्स है इसके। फिर आया हमारा सेकेंड चैप्टर, देखो बहुत ईजी है भाई, ये है पेपर नंबर 9 तुम्हारा, बराबर है कि नहीं है, ये कौन सा पेपर है, पेपर नंबर 9 OM एंड SM, बराबर है। एंड ओल्ड सिलेबस वालों के लिए OM होता है 70 मार्क्स के लिए और SM होता है 30 मार्क्स के लिए। मैडम 30 मार्क्स OM इज ही OM हो जाएगा, नो डाउट, बट ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा तुम्हारे जो दूसरे सब्जेक्ट्स पर प्रेशर होता है या जो टेंशन होता है, ये उसको ईज कर देगा, ये इजी कर देगा तुम लोगों को। इसीलिए अपने को पूरे के पूरे मार्क्स ट्राई करने, स्कोर करने के लिए। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में तुमको आउट ऑफ मार्क्स, आउट ऑफ नहीं बोलूंगी, थ्योरी सब्जेक्ट है इसलिए, लेकिन आराम से अबाउ 90 भी आ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी बहुत ईजी है। मतलब तुम खुद के, अगर एक बार कंसेप्ट समझ गया, तुम खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आएंगी नहीं, लेकिन कंसेप्ट के अलावा और कुछ नहीं लिखना है तुम लोगों को, ठीक है। चलो सेकेंड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है अपना, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। व्हाट इज बीसीजी मैट्रिक्स एंड इट्स लिमिटेशन। मैं वापस वापस बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार तुम्हारे पास्ट पेपर में भी आया हुआ है, अगर तुम देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। यहाँ पे सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स दिए हुआ है, एनसॉफ दिया हुआ है, पोर्टफोलियो दिया हुआ है, ADL दिया हुआ है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दिया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग दी हुई है। फिर आया डिस्कस कंटिंजेंसी प्लानिंग एंड इट्स 7 स्टेप प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वॉट एनालिसिस एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू डू स्वॉट एनालिसिस बिफोर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ग्रोथ स्ट्रैटेजीज अंडर एनसॉफ, मार्केट पेनेट्रेशन, ग्रोथ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, ये जो चारों चारों चीज़ें करी हुई है, ये यहाँ पे लिखनी है तुम लोगों को। एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो ये है हमारे सेकेंड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर आया हमारा चैप्टर नंबर 3, दैट इज फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग।
सेकेंड क्वेश्चन है मैकिन्सी 7S फ्रेमवर्क, दैट इज स्किल्स, शेयर्ड विजन, ये सारे जो 7S है ना वो. और मैं तुमको बता रही हूँ, मेरे इंटरनल वाले बच्चों को पता है मैंने ये क्वेश्चन इग्नोर किया था और यही क्वेश्चन आया था. तो प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना है. वी नीड टू ट्राई दैट वी हैव टू कम्प्लीट ऑल दी चैप्टर्स राइट एंड ऑल दी क्वेश्चन ऑल दी कंसेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आया BPR एंड प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो. स्टेट द वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ SBU. भाई पेपर कैसे लिखना है मैं तुमको वापस बस बोल रही हूँ, वापस 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 बोल रही हूँ. पेपर कैसे लिखना है, कैसे करना है, पेपर एनालिसिस क्या है, अपन लोग ये वापस से नए वीडियो में देखने वाले हैं. मैं आप लोगों के लिए ढेर सारे वीडियोस लेके आने वाली हूँ. श्रुति मैम आपके लिए लेके आने वाले हैं, हर सर आपके लिए लेके आने वाले हैं, अकर सर आपके लिए लेके आने वाले हैं. तो वापस बोल रही हूँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, नोटिफिकेशन आना चाहिए, वो बेल आइकन प्रेस करेंगे सो दैट यू कैन बी अपडेटेड विथ RAAC, दैट इज आकाश अग्रवाल क्लासेस यूट्यूब चैनल राइट. स्टेट द वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ SBU स्ट्रक्चर. डिस्कस ब्रीफली अबाउट कोर कॉम्पिटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन ब्रीफ स्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी. एंड लास्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों चैप्टर के मिला के. एंड देखिएगा मत, मतलब भूलिएगा मत. ऑडिट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाला हुआ है, न्यू सिलेबस का भी डाला हुआ है, ओल्ड सिलेबस का भी डाला हुआ है. अगर आप देखेंगे मैंने SN का भी आप लोगों के लिए ओल्ड सिलेबस डाला हुआ है, उसी के साथ न्यू सिलेबस वाले बच्चे भी रहेंगे तो उनको भी ये ज़रूर बताइएगा. उसी के साथ साथ न्यू सिलेबस वालों के लिए भी DA का भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाला हुआ है राइट. एंड अगेन एज आई सेड आई विल बी कमिंग विद द सॉल्यूशन. सो आई विल बी कमिंग फ्रॉम कोई गेस कर सकता है कब से आऊँगी मैं. आई विल बी कमिंग, दैट इज AAC इज कमिंग From 12th of June, 12 जून से हम लोग लेके आने वाले हैं हमारे CMA इंटर के Group 1, Group 2 एंड CMA फाउंडेशन के सक्सेस बैच के साथ. सो यस, अगर आपकी दोस्तों को भी नहीं पता रहेगा तो डू शेयर इट विथ एवरीवन. मतलब तुम ढिंडोरा पिटवा दो के दैट वी आर कमिंग विद द सक्सेस बैच फ्रॉम 12th ऑफ जून फॉर CMA इंटर Group 1, Group 2 एंड CMA फाउंडेशन ऑल्सो. तो इसी जोश के साथ हम लोग मिलेंगे हमारे सक्सेस बैच में. एंड वी आर वेटिंग फॉर आर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेटिंग. एंड इफ यू आर वेटिंग एंड इफ यू आर एक्साइटेड, फटाफट से कमेंट सेक्शन में भी आप लोग डालेंगे. एंड इफ यू वॉन्ट एनी मोर एडिशनल वीडियोज तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा. एंड अगर आपको अच्छा लगा रहेगा ये वीडियो एंड इफ यू वॉन्ट दैट हमारी CMA की फेटर्निटी बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होने मांगती है तो डू शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन सो दैट इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो. एंड यस, कीप स्टडिंग. बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.